Hello guys, this is Chetan Verma and you are watching my YouTube चैनल CSP Institute. So, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जो कि है अंडरस्टैंडिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के टर्म में. अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही, क्योंकि कई लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है. कई लोग YouTube वगैरह वो प्रेफर तो करते हैं, बहुत अलग अलग जगह पर देखते हैं, तो लेकिन उनको अभी भी इस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा डाउट है. सो उन्हीं लोगों को मैं टारगेट करूंगा और ये टॉपिक उन्हीं के लिए है. सो वेलकम यू गाइस इन माय ML सीरीज. सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. स्टैटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा साइंस वेयर वी यूज स्टैटिस्टिकल अजम्पशन टू गेट असर्शंस फ्रॉम पॉपुलर डेटा. टू मेक अजम्पशंस फ्रॉम द पॉपुलेशन वी मेक हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स. अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ गिवन प्रॉब्लम. ओके, तो देखिए इसको थोड़ा सा एक आसान भाषा में समझते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स है ना भाई साहब, बहुत ज्यादा, बहुत मैं कह सकता हूँ कि अगर इसको स्टैटिस्टिक्स आती है ना भाई साहब, मशीन लर्निंग उसके लिए हलवा है, डेटा साइंस उसके लिए हलवा है. ठीक है, सो यहाँ पर हम एक स्टैटिस्टिकल अजम्पशन यूज करते हैं. अजम्पशन क्या होता है ना, हम अज्यूम करते हैं कुछ 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 असर्शन लाने के लिए. कुछ 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 चीजें आप असर्शन लाने की कोशिश करते हो. कहाँ से लाते हो? पॉपुलेशन डेटा से. किसी को पॉपुलेशन डेटा नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. मान लीजिए कि एक होता है पॉपुलेशन और एक होता है सैंपल डेटा. पॉपुलेशन डेटा क्या होता है कि एंटायर पॉपुलेशन और पूरा डोमेन, और सैंपल डेटा होता है कि इस पॉपुलेशन का छोटा सा सबसेट. ठीक है, सो उससे हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अशर्शन लाने की कोशिश करते हैं, एक अजम्पशन बनाते हैं. इसको हम स्टैटिस्टिकल अजम्पशन के लिए यूज करते हैं और उससे हम अशर्शन पाते हैं. टू मेक अजम्पशंस फ्रॉम द पॉपुलेशन वी मेक हाइपोथेसिस. क्या बनाते हैं हम? हाइपोथेसिस. दिस इज अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर. दिस इज अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर. सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ गिवन प्रॉब्लम. जो एक हाइपोथेसिस है, एक स्टेटमेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, एक स्टेटमेंट होता है. ठीक है, तो हम एक अजम्पशन बना रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर. हम हाइपोथेसिस करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के अबाउट. उसके लिए हम कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेटमेंट है. अगेन मैं कह रहा हूँ, हाइपोथेसिस क्या है? एक स्टेटमेंट. आप ये अपने जहन में उतार लो. ठीक है, सो कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट कीजिए. ओके गाइस, सो दिस इज अबाउट हाइपोथेसिस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट अ हाइपोथेसिस. व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इज यूज्ड इन मेकिंग अ स्टैटिस्टिकल डिसीजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा. जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है यार, स्टैटिस्टिकल मॉडल है. क्योंकि इसके आधार पे हम ये चेक करते हैं कि हम एक स्टैटिस्टिकल डिसीजन बनाते हैं. ठीक है, किसको यूज करके? एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करके. यहाँ पर एक वर्ड है एक्सपेरिमेंटल डेटा, उसको यूज करके हम इसको बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल डिसीजन बनाते हैं. और जो कि यूज आता है, यही असल में ये मेथड है जो इसको बनाता है, स्टैटिस्टिकल डिसीजन को बनाता है. इसी मेथड के थ्रू हम बना सकते हैं. ये एक मेथड है बेसिकली. हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज बेसिकली एन अजम्पशन दैट वी मेक अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर. हम एक अजम्पशन पैरामीटर बनाते हैं कि यार कोई भी पॉपुलेशन पैरामीटर के आधार पे. एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए लूंगा कि देखो यार, पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर है ना हिंदू और मुस्लिम है, वो लड़ाई हो रही है मान लो वहाँ पर. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि पाकिस्तान इज नॉट एन सेकुलर कंट्री. सो मैंने एक अजम्पशन बनाया किसके आधार पे? वहाँ की पॉपुलेशन के आधार पे मैंने एक अजम्पशन बनाया कि यार वट एवर आई हैव एक्सपेरिमेंटल डेटा, आई हैव सीन सो फार कि यार इतने दंगे हो रहे हैं, ये सब हैं. तो मैंने एक हाइपोथेसिस थ्योरी बना ली अपनी कि दिस इज नॉट अ सेकुलर कंट्री. ओके, सो ये मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पे मैंने एक काम कर लिया. ठीक है, सो वी मेक अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर. इट इवेल्युएट्स टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स अबाउट अ पॉपुलेशन टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज बेस्ट सपोर्टेड बाय द सैंपल डेटा. ठीक है, ये दो एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक दूसरे से कहीं भी मैच नहीं खाती है, म्यूचुअल है लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखो, म्यूचुअली इंक्लूसिव ये है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, दे आर डिसजॉइंट. हम उसको बोल सकते हैं सेट की भाषा में डिसजॉइंट है. ठीक है,
सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स है जो कि अबाउट है पॉपुलेशन के अबाउट, ठीक है, टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज द बेस्ट सपोर्टेड बाय द सैंपल डेटा। सैंपल डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट है बेस्ट सपोर्ट कर रहा है। मैंने दो स्टेटमेंट दे दिए, पाकिस्तान बहुत ही अच्छी कंट्री है, ठीक है, पाकिस्तान इज गुड कंट्री। भाई कोई मेरी इस बात को काट कर बोल मत देना और मेरे को एंटी नेशनलिस्ट मत बता देना। और दूसरा स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान इज द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो दो स्टेटमेंट मैंने दिए सपोज आपको, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है, कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। अब हम ये इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा भाई साहब स्टेटमेंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है सैंपल डेटा के आधार पे। हमारे पास में डेटा है कि वहां पर खून खराबा होता है, वहां पर सेकुलरिज्म नहीं है, वो एक इस्लामिक देश है, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन वो एक कट्टरवादी है, वो मतलब लोगों का जनसंहार करता है, सबसे ज्यादा आतंकवादी उसके पास में, हाँ, तो दूसरी वाली बात को सपोर्ट कर रहा है। ये मेरा सैंपल डेटा, और सैंपल डेटा के आधार पे मैंने कंक्लूड कर लिया कि भाई साहब ये बात फिट, ये स्टेटमेंट फिट बैठता है भाई साहब इसके लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको, देखो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट के ऊपर ही देना चाहूंगा। यू से एन एवरेज स्टूडेंट इन योर क्लास, इन द क्लास इज 30, और 30 बॉयज आपके पास में, और अ बॉय इज टॉलर देन अ गर्ल। या फिर दूसरा है कि जो एवरेज है वो ये है कि एक जो बॉय है वो टॉलर है तुम्हारी क्लास की लड़कियों से, बॉयज टॉलर देन गर्ल्स। आपने दो स्टेटमेंट दिए कि एक तो क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, दूसरा है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से टॉलर है। ऑल ऑफ दीज इज एन अजम्पशन दैट वी आर अज्यूमिंग, एंड वी नीड सम स्टैटिस्टिकल वे टू प्रूव दिस। सो वी नीड सम मैथमेटिकल कंक्लूजन, वट एवर वी आर अज्यूमिंग इज ट्रू और नॉट। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग ओके देयर इज 30 स्टूडेंट इन द क्लास एंड वी आर टॉकिंग ऑल बॉयज आर टॉलर देन गर्ल्स, सो बट दिस इज आवर हाइपोथेसिस, वी डोंट हैव एनी डेटा। सो वील कलेक्ट सम सैंपल डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड वील कंपेयर बोथ ऑफ दिस, ओके, सो एंड वील प्रूव वॉट इज ट्रू एंड वॉट इज नॉट ट्रू। ओके, सो नीड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की नीड क्या है? सबसे पहली बात, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इन स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है ऑब्वियसली। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इवेल्युएट्स टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पॉपुलेशन स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज मोस्ट सपोर्टेड बाय द सैंपल डेटा। हम दो एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रहे हैं स्टेटमेंट्स, और हम ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, सैंपल डेटा के आधार पे, कि कौन सा स्टेटमेंट को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। व्हेन वी से दैट फाइंडिंग्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, व्हेन वी से दैट द फाइंडिंग्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, इट इज थैंक्स टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अरे भैया अगर हम इसकी मदद से कर सकते हैं तो क्या भाई हम यही ना कहेंगे कि धन्यवाद प्रभु, हाइपोथेसिस प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी एक बात मान ली, हमारी मदद कर दी। मान लीजिए कि किसी तरीके से वो ये वाला डेटा, कुछ ऐसा डेटा आ जाता कि हम कह देते कि पाकिस्तान इज अ गुड कंट्री, तो भाई साहब मैं तो पगला जाता। लेकिन डेटा भी रिलायबल होना चाहिए, सैंपल डेटा भी रिलायबल होना चाहिए, और मैं ही नहीं सबसे पहले तो जनता ही पगला जाती मेरी यहाँ की, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो तुम लोग ही पगला जाते। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस नीड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द पैरामीटर्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स एंड स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड अ पार्ट ऑफ दैट द फॉर्मूला फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन पाइथन। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।